अभिनेत्री केट शर्मा ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुभाष घई के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न के मामले में अपनी शिकायत वापस ले ली है। एक्ट्रेस का कहना है कि वो अपने मामले को संभालने के तरीके से तंग आ गई। केट शर्मा ने कहा, हाँ मैंने मुंबई पुलिस को सूचित किया है कि मैं सुभाष घई के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेना चाहती हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए न्याय पाने के लिए यहाँ और वहाँ घूमने की बजाय मैं अपने परिवार और मेरी बीमार माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ। उन्होंने आगे कहा, लोग वास्तव में पूरे मी टू मूवमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर पुलिस केवल FIR दर्ज करने में व्यस्त है तो इस पूरे अभियान का उपयोग क्या है? मुझे बताओ कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या मैं FIR दर्ज कराना चाहती हूँ, लेकिन मुझे न्याय पाने के लिए आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं दिख रहा, क्योंकि जो कुछ भी कहना है वो सार्वजनिक डोमेन में। मैं और घई बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। मैंने ये बात सार्वजनिक रूप से कही थी और मैं इसे फिर से कह रही हूँ। सब लोग मुझे मी टू करके बुलाने लगे हैं। मैं सब कुछ से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैंने अपना मामला वापस ले लिया। इससे पहले ANI से बात करते हुए शर्मा ने कहा था, उन्होंने मुझे 6 अगस्त को अपने घर में बुलाया था। वहाँ 5 से 6 लोग उपस्थित थे। उन्होंने मुझसे मालिश करने के लिए कहा। मैंने उसकी मालिश की और मैं हाथ धोने चली गई। उसने मेरा पीछा किया, मुझे अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया और मुझे चूमने की कोशिश की।